ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप हमें अपने साथ ले क्यों नहीं जाना चाहते हैं? शहंशाह, आप तो जानते हैं ना, हमें आखेट पर जाना है किसी वन्य प्राणी का वध करना बिल्कुल भी नहीं भाता है। फिर भी हर बार आपकी प्रसन्नता के लिए हम आपके साथ जाते थे, और इस बार आप स्वयं ही हमें चलने के लिए मना कर रहे हैं। दरअसल बात यह है जोधा बेगम, कि अगर हम सिर्फ आपको अकेले लेकर जाएंगे तो हमें लगता है बाकी बेगमात को बुरा लगेगा, वो इस बात से रश करेंगी। और फिर अगर हम सबको साथ लेकर जाएंगे तो दो दिन के बजाय एक हफ्ता बीत जाएगा। और फिर जब हमने खास बेगमात के लिए मीना बाजार लगवाया था, तब आपने ही हमें कहा था कि हम ऐसा कुछ भी ना करें जिससे बाकी बेगमात को बुरा लगे, है ना? अब चाहते हैं ना कि हम एक बेहतर शौहर बने, तो एक बेहतर शौहर होने के नाते हमें कड़े फैसले लेने होंगे, और ये उनमें से एक ही है। ठीक है, यदि ऐसा है तो हम स्वयं आपके जाने का प्रबंध करते हैं। शुक्रिया। प्रणाम। कितने अफसोस की बात है कि खुद शहंशाह जलालुद्दीन अकबर को इस बात का इल्म नहीं, और ना ही उनके तमाम वफादार साथियों को इस बात का इल्म है कि यहाँ एक सुरंग है जिसका रास्ता महल तक पहुँचता है। लेकिन हमारी मलिका बेगम महाचूचक साहिबा को इस बात का बखूबी इल्म है। इत्मीनान रखें बेगम हुजूर महाचूचक साहिबा, यकीनन आज आपका मकसद ज़रूर पूरा होगा। अरे सुनो, दरबारी सिपाहियों के तो ऐश हैं, शहंशाह के साथ जा रहे हैं आज रात शिकार पे। पहले शिकार फिर जश्न, वाह। शरीफुद्दीन साहब से अर्ज करो, कभी हमारी बदली भी उनसे कराए ताकि हमें भी ऐश करने का मौका मिले। बस ख्वाब देखो, शरीफुद्दीन साहब मानेंगे थोड़ी। तुमने कुछ सुना? कोई भी आवाज नहीं आ रही। चलो अंदर चल के देखते हैं। ये शोर यही मचा रहा है, कितना शोर मचाता है ये गलीज जानवर। चलो। वैसे वो सिपाही कहाँ है जिसे शैतान की पहरेदारी पर लगाया गया है? चलो देखते हैं। सब हमारा जहां पड़ाव है आप वहां जाकर हमारे रुकने के इंतजाम संभालें। जी हुजूर, बेहतर है। क्या हर वक्त पर्दानशी होती? नहीं हुजूर,
मगर हमारे शोहर का हुक्म है कि हम हमेशा पर्दे में रहें। लेकिन इस वक्त आपके शोहर यहाँ मौजूद नहीं है। हमारा मतलब है कि आप मुगल सल्तनत के सिपाहियों के महफूज घेरे में हैं। यहाँ पर आपको किसी से कोई खतरा नहीं है। देखिए शानदार नज़ारे हैं, क्यों ना आप कुदरत के नज़ारों का दीदार करें और उन्हें आपकी खूबसूरती का दीदार करने दें। लगता है बारिश होने वाली। हम चाहेंगे कि आप सब लोग पड़ाव में जाएं और आराम फरमाएं। जी शहंशाह। उस्ताद हुजूर, क्या हम और शिकार नहीं खेलेंगे? नहीं, शायद शहंशाह पहले विश्राम करना चाहते हैं और मौसम भी शिकार खेलने के अनुकूल नहीं। एक बार ये तेज हवा बंद हो जाए उसके पश्चात शिकार खेलने जाएंगे। यहाँ खुले में कितना सुकून है, वहाँ खेमे में ये मजा कहाँ। तानसेन साहब, हमें लगता है कि हम थोड़ी देर और शिकार करेंगे। आप अगर चाहें तो पड़ाव में जाकर आराम फरमाएं। हमारी इजाजत है, हम आपसे बाद में मिलेंगे। जी शहंशाह, धन्यवाद। हम वाकई में बहुत थक गए थे, विश्राम करना चाहते हैं। मौसम वाकई अच्छा है शिकार करने के लिए। क्या जोधा बेगम, आज आपने फिर से रहीम के लिए नए खिलौने लिए? जी, मगर उसकी क्या जरूरत थी जोधा बेगम, कल ही तो हमने रहीम के लिए इतने सारे खिलौने लिए थे। बालकों को तो कितने भी खिलौने दो कम ही पड़ जाते हैं। फिर कल जो खिलौने थे वो इतने अच्छे भी नहीं थे और उसमें से एक टूट भी गया था, इसलिए तो हमने आज नए खिलौने मंगवाए हैं। देखिए इसमें हाथी है, घोड़ा है, रथ है। आप रहीम को बहुत लाड़ करने लगी हैं जोधा बेगम। देखिएगा एक वक्त आएगा जब ये आपके ही सर पर सवार रहेंगे। वैसे जोधा बेगम, हम सोचकर ही हैरान हो रहे हैं कि कुछ महीनों के बाद आप तीन तीन बच्चों को किस तरह संभाल पाएंगे। बेगम साहिबा का इकबाल बुलंद हो। मलिका आजम ने आपको याद फरमाया है सलीमा बेगम। हम आते हैं। अच्छा जोधा बेगम, आप रहीम को कुछ देर और संभालिए, हम मलिका आजम से मिलकर आते हैं। जी बिल्कुल। ये लो घोड़ा, देखो कैसे चलता है। अब चलेगा हमारा घोड़ा, तबड़िक 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 तबड़िक। आपका क्या उत्तर है कुंवरी जोधा? हमारी राजकुमारी को मैं जाकर क्या संदेश दूं? क्या आप इस विवाह को रुकवा सकती हैं? आप अपनी राजकुमारी से जाकर कहिए कि कोई भी अनुचित निर्णय ना ले और बिल्कुल भी चिंता ना करे। उनके इच्छा के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं होने देंगे। क्या इसे हम एक राजवंशी कुंवरी का वचन समझें? ठीक है, इसे आप हमारा वचन समझिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुंवरी। आपकी इस कृपा से हमारी राजकुमारी सदैव के लिए आपकी आभारी बनी रहेंगी। तबड़िक 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 तबड़िक, क्या गया हमारा घोड़ा। हमें यकीन है कि जब हम शहंशाह को बताएंगे कि चंपावत की राजकुमारी इस विवाह के लिए तैयार नहीं है तो वो इस विवाह को रद्द कर देंगे। लाइए अपना हाथी। यहाँ से इस खूबसूरत जंगल के नजारों का मजा लीजिए। लगता है वहाँ कोई जानवर है। भालू ही है, अब जरा से पकड़ेंगी। अल्लाह, इतनी दूर से बाला फेंका आपने? क्यों,
क्या आज तक आपने ऐसा नहीं देखा? नहीं, मैं तो समझती थी इतनी दूर पर सिर्फ तीर कमान से ही निशाना लगाया जा सकता है। क्योंकि शायद आज तक आपने जलालुद्दीन मोहम्मद को शिकार करते हुए नहीं देखा। सुनो, वहां जाओ, जाकर पता लगाओ कि शिकार जिंदा है या नहीं। जी हुजूर। हुजूर, आपके भाले ने तो भालू का काम तमाम कर दिया है। अल्लाह, यकीन ही नहीं होता। यकीन कर लीजिए। हुजूर, शिकार ले आए पड़ाव में चलने के लिए। उसे वहीं छोड़ दो। नहीं, एक और शिकार करते। ऐसा शिकार होते पहले कभी नहीं देखा है। शहंशाह ने भालू का शिकार कर भी लिया और उसको ले जाना भी नहीं चाहते। लगता है शहंशाह शिकार करने नहीं, अपने निशानेबाजी का जलवा दिखाने आए हैं। बताएं कि क्या आपको वहां कोई शिकार दिखाई दे रहा है? शहंशाह, ये क्या कर रहे हैं? ये तो तानसेन जी का अपमान है। हम चाहेंगे कि सर फतीफा गाए। सुभान अल्लाह। ये हमारी तरफ से खूबसूरत नजराना कबूल करें। शुक्रिया। हुजूर, अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे कुछ बात करनी थी हमें। कही हद का सा। हुजूर, जो इन दिनों आप कर रहे हैं वो गलत है, गुनाह है। कैसा गुनाह? किसी शादीशुदा औरत को अपने साथ में लेके आना, उसे देखना, उसकी सोबत में रहना जिनाकारी है। यह न सिर्फ कायदे मुगल सल्तनत के खिलाफ है बल्कि शरीयत के हिसाब से भी गुनाह अजीम है। ये बातें आप हमसे बेहतर समझते हैं, मगर फिर भी आपके अतालिक होने के नाते और मुगल सल्तनत के मुलाजिम होने के नाते हमारा फर्ज है कि हम आपको आगाह करें।
वजह फरमाते हैं कैसा। आप हमारे अतालिक हैं, हमें एतबार है कि आप हमेशा हमारी नेकी ही चाहेंगे, लेकिन हम जब भी अतीफा को गाना गाते हुए सुनते हैं हम खुद पर से आपा खो देते हैं। हम जानते हैं ये गलत है, हम जानते हैं कि हम अपनी बेगमात के साथ गलत कर रहे हैं, और हम जानते हैं कि हम सबसे ज्यादा जो बेगम के साथ गलत कर रहे हैं हम उनके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इस वक्त उनके साथ होना चाहिए था उनकी देखभाल करने के लिए, ना कि इस तरह शिकार पे आ जाना चाहिए था। लेकिन सच कहें तो अतीफा की सूरत ही नहीं, उसका ख्याल ही हमें बेचैन कर देता है। सच कहें तो हमें नहीं लगा था कि जोधा बेगम के अलावा हम किसी और से भी मोहब्बत करेंगे, उसने हमें उसका पागल बना दिया है। और सच कहें अदका साहब तो हमारे दिल ने हमसे ही गद्दारी कर दी है। खैबर इस तरफ आओ, आओ खैबर। हुजूर आदाब, आप इस वक्त यहाँ? यहाँ की जिम्मेदारी हमारी है और उसे हम कब निभाने आते हैं ये तुम नहीं देखोगे। मुस्तैद रहो, दरवाजा खोलो। पर कोई सिपाही क्यों नहीं है? ए, इधर सुनो, यहां का सिपाही कहां गया? पता नहीं हुजूर। दरिंदा इस कैद खाने से फरार हो गया है, वो किसी भी कीमत पर बचकर नहीं जाना चाहिए। जाओ ढूंढो उसे। इतना बड़ा दरिंदा बिना किसी को नजर आए फरार कैसे हो सकता है? जब तक कि उसे कोई खुफिया रास्ता मालूम ना हो। से बहुत मोहब्बत है। स्वप्न क्यों आ रहे हैं? ऐसी अवस्था में सारी बातें सोचना बिल्कुल ठीक नहीं है।